दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने कुछ दिन पहले मॉरेटोरियम को फिर से एक्सटेंड कर दिया है 31 अगस्त 2020 तक। और दोस्तों, फिलहाल कुछ ही घंटे पहले एक्सिस बैंक ने मॉरेटोरियम 2.0 के लिए ऑप्ट करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि अभी आप ऑनलाइन एक्सिस बैंक में मॉरेटोरियम 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में आपको कैसे मॉरेटोरियम 2.0 के लिए एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी गूगल में हूँ, यहाँ से मैं एक्सिस बैंक सर्च कर लूँगा। उसके बाद मैं एक्सिस बैंक ऑफिशियल वेबसाइट axisbank.com में आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइट पे यहाँ पे की फीचर्स में लिखा हुआ है ऑप्ट फॉर मॉरेटोरियम और डिफरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे नो मोर का एक सेक्शन है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप जैसे ही नो मोर पे सेक्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास एक नया पेज खोल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्ट फॉर मॉरेटोरियम और डिफरमेंट विथ रिक्वेस्ट टू पेमेंट ऑफ योर लोन और EMI क्रेडिट कार्ड ड्यूज इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड फैकल्टी फीस। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ FAQs मिलेगा क्रेडिट कार्ड और लोन्स के बारे में, और यहाँ पे एक बटन होगा ऑप्ट नाउ का। दोस्तों आप ऑप्ट नाउ के बटन पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही ऑप्ट नाउ के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक नया पेज खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, आपको मोबाइल नंबर से पहले आपका कंट्री कोड डालना है। यानी कि दोस्तों इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो आपका मोबाइल नंबर के पहले 91 ज़रूर इंक्लूड करना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा होगा आपको उसको फिल करना होगा, मैंने कैप्चा अभी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से सबमिट करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का एक OTP आएगा, आपको OTP यहाँ पे देख के डाल देना है। दोस्तों तो चलिए मैं अपना OTP डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ से सबमिट करते हैं। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट होल्डर का नाम और आपका कस्टमर आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपको मल्टीपल कस्टमर आईडी दिखाएगा, और आपका जो भी कस्टमर आईडी पे लोन है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मेरे पास एक ही है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड किसके ऊपर EMI चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोन सिलेक्ट करने के बाद नीचे इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा जहाँ पे लिखा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड बिलो टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके पास एक पेज में दिखाएगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड विल बी प्रोसेस्ड एंड यू विल बी रिसीव ए कम्युनिकेशन वाया SMS इन नेक्स्ट 5 डेज। यानी कि दोस्तों अगले 5 दिनों में आपका लोन के लिए मॉरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा और आपको इसके लिए एक SMS भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेरीज या फिर सजेशंस है और आगे आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी तरह के बैंकिंग रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।